अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि हमारे खजाने से ज्यादा सनी लियोन के खजाने में पैसा है, हालांकि मारी सबसे ज्यादा हमारी गई है। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि चीजों में मारे जाने वाली चीज ब्रेक आज भी दूसरे नंबर पर है। क्या हुआ? हमने देखा कि ब्रेक मारते हुए, लेकिन तुम उस मारने से निकलो तो देखो ना ब्रेक मारते हुए। तुम क्या समझ रही हो, मैं वो मियां जो बीवी को मार रहे होते हैं? वाह, तू क्या सोची? तू जो सोच रही है वो भी ठीक है। तुम्हें पता मैं क्या सोच रही हूँ? देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहली लड़की ने कहा कि ये लड़के आपस में क्या बातें करते हैं। दूसरी कहने लगी, जो हम आपस में करते हैं। पहली कहने लगी, आय अल्लाह इतने बदतमीज होते हैं। नहीं, इससे भी ज्यादा होते हैं। हाँ, तो लड़कियां हमसे ज्यादा बातें कर रही होती हैं। हम तो लड़के बेचारे बदनाम है, सर ऐसे ही बदनाम है, उनको कोई काम नहीं होता, बस यही बातें हो रही होती हैं, है ना। लड़के पता क्या बातें करते हैं? हाँ। लड़के ये बातें करते हैं, वो शैला को देखा, नायला को देखा, उसको देखा, कैसे लग रही थी। और हम आपस में पता क्या बातें कर रहे होते हैं लड़के आपस में? ना, नायला ने तुझे कितना लूटा, सायमा ने तुझे कितना लूटा। शुक्र है तूने मेरा नाम नहीं लिया। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि एक तरफा प्यार हार रहा है, खुश वो ही है जो दो तरफ मुंह मार रहा है। इस पे मुझे ऐसी नहीं आ रही, मुझे दुख हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ यही हो रहा है। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि मैंने पाकिस्तानी रुपए को दो दफा ऊपर जाते हुए देखा है, एक टास के वक्त और एक डांस के वक्त। तुम्हारे जैसे होते हैं जो नोट डाल। और ये लड़के सिर्फ नोट ही डाल रहे होते हैं, लड़कियां बड़ी तेज हैं। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं जो ये लड़कियां होती हैं, लड़के की मोहब्बत को हवस समझती हैं और अपनी हवस को मोहब्बत। ये कब 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 इंसाफ होगा पाकिस्तानी लड़कों के साथ, कब होगा? अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि जो लड़कियां होती हैं, लड़के से 1000 ख्वाहिशें चाहती हैं और लड़का सिर्फ एक ही ख्वाहिश चाहता है। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि तुर्की की लड़कियां जब लड़ती हैं तो तलवारें निकालती हैं, और हमारे वाली लड़कियां जब लड़ती हैं तो एक दूसरे के यार निकाल रही होती हैं। रशीद सब्जी वाला, इद्रीस पान वाला, अवेश प्लम्बर। अब देखो ना, गुलजार चांडी अपनी किताब में कहते हैं कि हमारे मुल्क में सिफारिश इतनी बढ़ चुकी है, आप 1 किलो गोश्त भी लो ना तो बड़ा भाई कहता है मेरा नाम लेना अच्छा देगा। हमारे यहाँ बस पैसा और सिफारिश चल रही है इस मुल्क में ना। तेरे मुल्क में क्या चल रहा है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ। हाँ, वही लड़कों को लूट के खाना। मैंने किसको लूटा है?